हेलो लर्नर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर उषा चहल। इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स एंड फीचर्स की बात करेंगे। ये पार्ट टू है। व्हाट इज ए टैक्स? टैक्स एक एनुअल चार्ज है जो कि हर व्यक्ति की टोटल इनकम पर पूरे साल में कमाई गई कर योग्य आय पर लगाया जाता है। कर योग्य आय का निर्धारण इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। कर योग्य आय में से कर मुक्त सीमा तक की इनकम को घटाकर बची हुई इनकम पर निर्धारित दरों से आय कर चुकाया जाता है। इंडिया में टैक्स रेट कम से कम 5% और अधिकतम 30% है। इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है और ये गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, क्योंकि गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत कई कार्यों के लिए होती है, जैसे लोगों के वेलफेयर के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। इनकम टैक्स सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में इनकम टैक्स पहली बार सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सैनिकों द्वारा हुई हानियों की पूर्ति करने के लिए सर जेम्स विल्सन के द्वारा लगाया गया था। इनकम टैक्स एक्ट 1961 1 अप्रैल 1962 से इंप्लीमेंट किया गया। ये एक्ट पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में लागू होता है। 1 अप्रैल 1990 से ये एक्ट सिक्किम में भी लागू हो गया। इनकम टैक्स एक्ट में हर साल फाइनेंस एक्ट द्वारा सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स की जाती हैं। इसके अलावा दूसरे कई अमेंडेड एक्ट्स भी समय समय पर पारित हुए हैं। इनकम टैक्स एक्ट में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर कई कमेटियां गठित की हैं। इन कमेटियों की सिफारिशों को अधिकतर इम्प्लीमेंट भी किया गया है और इन कमेटियों में चौकसी कमेटी और राजा चलैया कमेटी प्रमुख हैं। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के लिए बल्कि टैक्स पेयर्स के लिए भी। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स की, यानी आयकर की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, जिसका मतलब है कि टैक्स का बर्डन उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो उसे चुकाता है। सेकेंड पॉइंट आता है सेंट्रल टैक्स। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस टैक्स को वसूलती है। तीसरा पॉइंट आता है टैक्स ऑन टोटल इनकम, यानी कुल आय पर कर। टैक्स हमेशा टोटल इनकम पर लगाया जाता है, इसे टैक्सेबल इनकम भी कहा जाता है। टोटल इनकम को इनकम टैक्स में दिए गई प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जाता है। ये हम अगले आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट, यानी कर मुक्त सीमा। यदि आय निर्धारित राशि से अधिक होता है तो आय पर लगाया जाता है। कर मुक्त सीमा तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए कर मुक्त सीमा इस प्रकार से है। इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है। इंडिविजुअल मेल फीमेल हो सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एसोसिएशन पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। यदि किसी व्यक्ति की उम्र जो है 60 साल से कम है तो उसके ऊपर टैक्स स्लैब जो है, पहली टैक्स स्लैब 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, यानी 60 साल से अधिक लेकिन 80 साल से कम उम्र के व्यक्ति हैं, तो उस केस में 3 लाख तक जो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, यानी अमाउंट एग्जेम्प्टेड है। सुपर सीनियर सिटीजन जो कि 80 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, उनके लिए पहली स्लैब जो कि मिनिमम एग्जेम्प्शन लिमिट जो है 5 लाख रुपए तक की है। नेक्स्ट जो है 2.5 लाख स्लैब है इंडिविजुअल के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 2 लाख है एंड सुपर सीनियर के लिए 5 लाख है, जिसके ऊपर टैक्स के रेट्स जो हैं इंडिविजुअल के केस में 5%, सीनियर सिटीजन के केस में 5% और सुपर सीनियर के केस में 20%। नेक्स्ट जो स्लैब आएगी इंडिविजुअल के केस में 5 लाख के ऊपर 20%, सीनियर सिटीजन के केस में भी 5 लाख है उसके ऊपर 20% और सुपर सीनियर के केस में जितनी भी उनकी अमाउंट टोटल इनकम में से अमाउंट बचेगी उसके ऊपर 30% के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। नेक्स्ट स्लैब इंडिविजुअल और सीनियर सिटीजन के केस में बैलेंस के ऊपर 30% और सीनियर सिटीजन के केस में भी बैलेंस के ऊपर 30%। इसके बाद सरचार्ज अगर है तो लगाएंगे, ये हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये 4%, 4% और 4% तीनों के केस में लगाया जाएगा। इससे हम टैक्स कितना उनके द्वारा पेबल है वो निकालेंगे, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। इलस्ट्रेशन समझते हैं कि मिस्टर दिलीप हैज जॉइंड एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इज अर्निंग एन इनकम ऑफ ₹12 लाख पर एनम, द टैक्स पेबल बाय हिम वुड बी, मतलब मिस्टर दिलीप जो है हम मान के चल रहे हैं कि उनकी उम्र 60 साल से कम है और वो प्रतिवर्ष 12 लाख रुपए कमा रहे हैं,
तो हम उनकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने अभी स्लैब्स में पीछे पढ़ा था। तो इनके लिए पहली स्लैब जो है मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट जो है 2.5 लाख रुपए है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और नेक्स्ट जो है अगले 2.5 लाख के ऊपर 5% के हिसाब से 12,500 रुपए टैक्स बनता है। नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20% के हिसाब से 1 लाख टैक्स बनेगा। और बैलेंस यानी 2.5 लाख और 5 लाख टोटल आ गया 10 लाख। अगर हम 12 लाख में से 10 लाख माइनस करते हैं तो बैलेंस बचता है 2 लाख। इसके ऊपर 30% के हिसाब से टैक्स बनेगा, जो कि 60,000 रुपये आएगा। जब हम इसको अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल को कैलकुलेट करेंगे तो 1,72,500 आएगा। सरचार्ज नहीं इसमें ऐड होगा, ये हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है 4% के हिसाब से लगाया जाएगा 1,72,500 के ऊपर, जो कि बनेगा 6,900। और टोटल टैक्स की लायबिलिटी मिस्टर दिलीप की बनेगी 1,79,400। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स की। डेट इज एक व्यक्ति हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या AOPs BOI की संपूर्ण आय पर एक दर से कर नहीं देना होता। जैसे जैसे इनकम में इजाफा होता है तो टैक्स के रेट्स में भी बढ़ोतरी होती है। आयकर की दरें न्यूनतम 5% और अधिकतम 30% जो है वो हैं। फर्म्स एंड कंपनीज के केस में 30% जो है वो टैक्स लगाया जाता है। जैसे कि हमने पिछले इलस्ट्रेशन में भी देखा कि जैसे जैसे व्यक्ति की मिस्टर दिलीप की इनकम बढ़ी, वैसे वैसे टैक्स के रेट भी बढ़ते गए। स्पेशल रेट्स कुछ स्पेसिफाइड इनकम्स हैं जिनके ऊपर अलग रेट चार्ज किया जाता है। जैसे लॉन्ग टर्म ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, उस केस में अंडर सेक्शन 111A, इसमें 15% जो है वो स्पेशल रेट लगाया जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर 20%, और ऑन गेन्स फ्रॉम लिस्टेड शेयर्स विदाउट इंडेक्सिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसमें 10%। और यदि किसी व्यक्ति को लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस से कोई धनराशि प्राप्त होती है या वो जीतता है तो उस केस में 30% के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। रिबेट ऑफ इनकम टैक्स, इसमें डेट इज यदि इंडिविजुअल की टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो उसे 12,500 रुपए की टैक्स की में छूट दी जाएगी। नेक्स्ट आता है सरचार्ज। सरचार्ज यानी अधिभार, आयकर की राशि पर सरचार्ज भी लगाया जाता है। असेसमेंट ईयर 2020-21 के अकॉर्डिंगली सरचार्ज के रेट्स इंडिविजुअल के केस में इस प्रकार से हैं। इंडिविजुअल HUF AOP BOI के केस में इस प्रकार से हैं। यदि व्यक्ति की टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम है तो सरचार्ज का रेट 10% होगा। यदि इनकम जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है तो सरचार्ज का रेट 15% होगा। और यदि टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है तो उस केस में जो है 25% सरचार्ज होगा। और यदि टोटल इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में 37% सरचार्ज लगाया जाएगा। फर्म्स के केस में यदि फर्म की टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 12% के हिसाब से सरचार्ज लगेगा। और सी पॉइंट में डोमेस्टिक कंपनी के केस में यदि डोमेस्टिक कंपनी की टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो उस केस में 7% सरचार्ज लगेगा। उसके बाद बात आती है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की। सभी टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स और सरचार्ज की राशि पर 4% के हिसाब से हेल्थ और एजुकेशन सेस भी देना होता है। नेक्स्ट आता है टैक्स बर्डन यानी कर भार। व्यक्ति और हिंदू इंडिवाइडेड फैमिली पर प्रोग्रेसिव टैक्स रेट लगता है, यानी इनकम ज़्यादा तो टैक्स भी ज़्यादा, इनकम कम तो टैक्स रेट भी कम। इससे धनी व्यक्तियों पर टैक्स बर्डन अधिक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। इनकम टैक्स लगाने और वसूल करने का काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT के अंडर सभी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एलोकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स यानी आयकर की राशि का बंटवारा। इनकम टैक्स से प्राप्त राशि फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त होती है, बट कुछ केसेस में स्टेट गवर्नमेंट को हिस्सा नहीं मिलता। जैसे कंपनी से प्राप्त आयकर, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में स्टेट गवर्नमेंट को इसका हिस्सा नहीं दिया जाता। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिस एंड प्रोसीजर ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स और क्राइटेरिया फॉर इम्पोजिंग टैक्स। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा ही है कि इनकम टैक्स एक एनुअल
एक एनुअल टैक्स है, इनकम पर लगाया जाता है, यानी कि वार्षिक कर है। गत वर्ष की आय पर अगले कर निर्धारण वर्ष यानी प्रीवियस ईयर की इनकम पर सेसमेंट ईयर में प्रिस्क्राइब रेट से टैक्स लगाया जाता है। इनकम टैक्स रेट्स फाइनेंस एक्ट द्वारा प्रत्येक वर्ष निश्चित किए जाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में मेंशन एवरी पर्सन पर टैक्स इम्पोज किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है, हर एक व्यक्ति की कुल आय पर इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली टैक्स लगाया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट इज कि इनकम टैक्स आय के स्रोत के स्थान पर डिडक्ट कर लिया जाता है या एडवांस में भी चुकाया जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति की व्यक्ति कोई इनकम अर्न करता है वैसे वैसे टैक्स पेमेंट करता रहता है, इसे हम पे एज यू अर्न भी कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है आयकर लगाने की विधि यानी प्रोसीजर फॉर कंप्यूटिंग टैक्स। टैक्स पेयर की टोटल टैक्सेबल इनकम की गणना उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर फाइव हेड्स ऑफ इनकम के को लेकर की जाती है। ये फाइव हेड्स ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस इंप्रेशन, कैपिटल गेन्स, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब हम इन पांचों हेड की इनकम को जोड़ लेते हैं तो टोटल हमें मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम यानी पांचों हेड की इनकम को जब हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास जीटीआई यानी ग्रॉस टोटल इनकम आती है। और यदि हम इस ग्रॉस टोटल इनकम में से 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस को माइनस कर देते हैं तो बैलेंस जो है वो टोटल इनकम आती है। टैक्स हमेशा, सेकंड पॉइंट है, टैक्स हमेशा जो है टैक्स ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर नहीं लगाया जाता और टैक्स हमेशा टोटल इनकम के ऊपर लगाया जाता है। थर्ड पॉइंट इज ग्रॉस टोटल इनकम इज नॉट राउंडेड ऑफ। हम ग्रॉस टोटल इनकम को कभी राउंड ऑफ नहीं करते हैं लेकिन टोटल इनकम को ₹10 के मल्टीपल के नियरेस्ट जो है हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है, ग्रॉस टोटल इनकम कैन नॉट बी लेस देन टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम से कभी भी कम नहीं हो सकती है लेकिन टोटल इनकम ग्रॉस टोटल के बराबर या टोटल या ग्रॉस टोटल इनकम से कम हो सकती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है कि एग्रीकल्चर इनकम को ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाता लेकिन टोटल इनकम के केस में यदि एग्रीकल्चर इनकम ₹5,000 से अधिक है तो इसको टोटल इनकम में शामिल किया जाता है और ये इंडिविजुअल और HGF के केस में जो है टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए इसको शामिल किया जाएगा। असाइनमेंट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन व्हाट डू यू मीन बाय इनकम टैक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम, व्हाट इज द बेसिस ऑफ चार्ज फॉर इम्पोजिंग टैक्स ऑन द इनकम ऑफ ए पर्सन, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स, डिस्कस द रेट्स ऑफ टैक्स इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के केस में एक्सप्लेन द टर्म टैक्स एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब दिस चैनल, पढ़िए और आगे बढ़िए।